Hey guys, welcome to Spartan Subs. I hope guys are अच्छे होंगे. सर आज के ये वीडियो में दो गेम से रिलेटेड बात करने वाले. सबसे पहले BGMI के अंदर क्लैन बैटल स्टार्ट हो गया, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ. उसके साथ साथ PUBG न्यू स्टेट का थर्ड अल्फा भी स्टार्ट होने वाला है केवल दो ही दिन के लिए, और उसमें आपको Erangel 3.0 भी देखने को मिलेगा. तो उससे रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, और आप वीडियो को एंड तक देखो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि अगर पता होगा 18 अक्टूबर का क्लैन बैटल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था, और चार दिन बाद क्लैन बैटल एक्चुअल में स्टार्ट होने वाला था. फाइनली क्लैन बैटल स्टार्ट हो चुका जो कि है 23rd ऑफ अक्टूबर. और अगर आप क्लैन में जाओगे पबजी मोबाइल एंड बीजीएमआई के अंदर, तो आप देख पर क्लैन बैटल स्टार्ट हो चुका है, और आपको टोटली 14 दिन तक ये क्लैन बैटल में खेलना है. और जो टीम या जो क्लैन 14 दिन के बाद ज़्यादा बेस जीतेगा वही टीम ऑब्वियसली क्लैन बैटल को भी जीत जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ आप सबको भी पता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रीवियस टाइम आप लोग मिस किए थे, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट किए थे पिछले बार जब क्लैन बैटल एंड हुआ था कि भाई मेरा क्लैन तो जीत गया बट मुझे अभी तक कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिला. तो गाइस वो वाला गलती वापस ना हो जाए इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ. तो गाइस सबसे मेन चीज़ आप ध्यान रखना, इधर आप देख पर कंट्रीब्यूशन रैंक आपको दिखाई दे रहा है. इसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो इधर आप देख पर आपके क्लैन में जो जो बंदे खेल रहे, सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन बंदे खेल रहे और कितना वो पॉइंट कंट्रीब्यूट किए. ठीक है, इधर आप देखो टू डेज पॉइंट, तो आज का पॉइंट इधर आपको दिखाई दे रहा है. उसके बाद आप देखो टोटल पॉइंट, टू डेज पॉइंट में आज जितना आपने पॉइंट अर्न किया वो दिखेगा, और टोटल पॉइंट में ओवरऑल पूरा 14 दिन तक आपने कितना पॉइंट अर्न किया वो आपको दिखेगा. ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि आपको खुद का 500 पॉइंट इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा. जैसे आप देख पर अभी टोटल पॉइंट इसका 52 है, पहला ही दिन है, तो जैसे ये 14 दिन बाद 500 पॉइंट से ऊपर कर लेगा या 500 पॉइंट एटलीस्ट कर लेगा तो ये एलिजिबल हो जाएगा रिवॉर्ड के लिए. कौन सा रिवॉर्ड के लिए, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ. इधर फाइनल रिवॉर्ड में जाओ और इधर आप देख पा, अगर आपका क्लैन जीत जाता है, आपका प्रोफाइल में 500 पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली आपको एक परमानेंट पैरासूट, आपको एक क्लासिक कूपन और 100 एजी करेंसी मिलेगा. मान लो आपने 500 पॉइंट कंट्रीब्यूट किया और आपका क्लैन नहीं जीत पाया एनी हाउ, तब भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि आपने मेहनत किया. तो आपको तब 60 डेज के लिए पैरासूट मिल जाएगा जो कि आप देख पा रहे हो. उसके साथ साथ आप देख पा रहे 5 क्लासिक स्क्रैप मिल जाएगा और 50 एजी करेंसी मिलेगा. अगर आप 500 पॉइंट एनी हाउ कर ले तो भले आप विनिंग टीम में रहो या लूजिंग टीम में रहो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा जो कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हो. 500 से थोड़ा भी कम रहा, 499 भी रहा, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. तो मेक श्योर करना आराम से 500 पॉइंट कर लो. तो इधर आपका पॉइंट दिखते रहेगा, जैसे कि आप देख पा, आज का मैं 0 कंट्रीब्यूट किया हूं, तो इधर आप देख पा 0 है. जैसे आप 10 कंट्रीब्यूट करोगे तो एजी करेंसी मिलेगा, उसके बाद 40 110 210 340 550, और अगर आप 800 तक कंट्रीब्यूट करते हो अपना पॉइंट तो आपको एक प्रीमियम कूपन भी मिलने वाला है, वो भी कम्प्लीटली फ्री. ठीक है, तो 800 भी बहुत ईजी हो जाता है, 500 भी बहुत ईजीली हो जाता है अगर आप सही से खेलते हो. तो इधर आप देख लेना कि डेली का आपको 4 मिशंस या 4 मैचेस दिया जाएगा, और चारों मैचेस में आपको क्या क्या करना है वो आपको लिखा रहेगा. तो आज का मेरा जो मैचेस आपको दिखाई दे रहा है इसमें लिखा हुआ कंप्लीट अ मैच इन एनी मोड, तो मुझे कोई भी मोड खेलने के लिए बोला जा रहा है. अगर मैं कोई भी मोड खेलूंगा तो मेरा 5 पॉइंट अपने अकाउंट में आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे टीम अप विद मेंबर ऑफ योर क्लैन इन द मैच, तो अगर आप वही मैच को अपने फ्रेंड के साथ खेलोगे जो क्लैन में अवेलेबल है, तो आपको वही मैच में आपको 10 पॉइंट मिलेगा. एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सोलो निकल जाओगे खेलने के लिए तो केवल आपको 5 पॉइंट मिलेगा, बट वही मैच में अगर आप अपने फ्रेंड के ले जाते हो जो क्लैन में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस टाइम में आपको एक बार में 10 पॉइंट मिलेगा. ठीक है, और उसके साथ साथ वही मैच में अगर आप 4 किल कर दे तो TDM में 4 किल करना बड़ा बात नहीं है, इजीली आप 4 किल कर ले तो वही मैच में आप जैसे 4 किल कर लोगे तो आपको 5+5+8 मतलब 18 पॉइंट मिल जाएगा. तो ये जो तीनों मिशन आपको दिख रहा है ये आपको एक ही मैच में कंप्लीट करना होगा. तो इसलिए सबसे बेहतरीन बात है कि आपका तो मिशन कंप्लीट हो रहा है, उसके साथ साथ अपना फ्रेंड का भी हो रहा है, और अगर आप 4 मेंबर के साथ खेलते हैं, चारों के चारों क्लैन में अवेलेबल है, तो एक साथ चारों का पॉइंट आपके क्लैन को बूस्ट कर रहा होगा. तो ये सबसे अच्छा चीज़ है ऐसे करके आपको खेलना है. मान लो एनी हो आपको एक सोलो मैच खेलना, आपके फ्रेंड अभी अवेलेबल नहीं है, शाम को खेलना है उसके साथ, तो आपको सिंपली करना है कि जो टिक मार्क इसको अनचेक कर दो. ठीक है, इसको अनचेक करोगे तो इसके बाद आप नॉर्मल मैच खेलोगे सोलो में तो ये काउंट नहीं होगा. तो अगर आप चाहते हो कि मेरा जो मैच है वो कैलकुलेट हो ये वाला मिशन में, तो इसको ऑटोमेटिकली चेक कर दो. ये होगा कि आप इसको चेक करके जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट मैच आप खेलोगे कोई भी मोड, तो ऑटोमेटिकली ये काउंट होगा. तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेक अनचेक करना मत भूलना अगर आपको अच्छा खासा पॉइंट अर्न करना है. ठीक है, तो गाइस ये था क्लैन बैटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. अभी हम लोग आते हैं पबजी न्यू स्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ. ठीक है, ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं PC में आ चुका है, आपको पता है कि 11th ऑफ नवंबर को हम लोग का पबजी न्यू स्टेट ग्लोबली लॉन्च होगा, बट उससे पहले एक टेस्ट
रन होगा, आप उसको थर्ड अल्फा भी बोल सकते हो पबजी न्यू स्टेट का। तो उससे रिलेटेड पबजी न्यू स्टेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट, आप खुद भी आ सकते हो। इधर आप थोड़ा नीचे चल जाओगे तो इधर आप देख पा रहे, अगर आपने प्री रजिस्टर नहीं किया तो जाकर कर लो, आपको ये वाला कार का स्किन मिलने वाला कंप्लीटली फ्री, ठीक है। तो इधर आप देख पाए तीन पोस्ट डाला गया है पबजी न्यू स्टेट की तरफ से। सबसे पहला जो पोस्ट है, कल मैं वीडियो बना दिया था उससे रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन था वो वीडियो अगर आप देखोगे तो ये पोस्ट सब देखने का जरूरत नहीं है। सेकेंड आप देख पाए ज्वाइन पबजी न्यू स्टेट फाइनल टेक्निकल टेस्ट, तो इसको थर्ड अल्फा भी बोल सकते हो या टेक्निकल टेस्ट भी बोल सकते हो, जिसमें जो सर्वर सही चल रहा है कि नहीं वो सब चेक किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्लिक करते हैं, ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो इधर आप देख पाए हेलो सर्वाइवर, वी आर प्लेजेंट टू अनाउंस द पबजी न्यू स्टेट टेक्निकल टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर 2 days। तो ये जो टेस्ट होने वाला है ये केवल 2 ही दिन का होने वाला, और ये अक्टूबर का एंड में, मतलब 29 अक्टूबर, इधर आप देख पाए टेस्ट पीरियड अक्टूबर 24 से लेकर अक्टूबर 30, और इधर आप देखो यूट्यूब से 0, तो लगभग मुझे लगता है कि 9:30 का आसपास इंडियन टाइम में ये टेस्ट स्टार्ट होगा 29 को, और 30 को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 30 को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप देख पा रहे इसमें केवल वही बंदे एलिजिबल है जो कि सेकेंड अल्फा में पार्टिसिपेट किए थे। इधर आप देख पाए दिस टेक्निकल टेस्ट विल बी अवेलेबल फॉर द सर्वाइवल हु वर सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड अल्फा टेस्ट दिस पास्ट अगस्त, ठीक है। तो गाइस अगस्त महीने में जो सेकेंड अल्फा आपने देखा था, तो सेकेंड अल्फा में जो जो बंदे को सीट मिला था वही बंदे को वापस से सीट मिलने वाला। मेरा कोई भी आईडी को सीट नहीं मिला, तो मैंने एक फ्रेंड को मांगा था उसका आईडी, तो देखते हैं इस बार भी उससे मांगेंगे। और अगर हम लोग को ये चीज़ मिल गया तो मैं कोशिश करूँगा आपको इरेंगल 3.0 का एटलीस्ट गेम प्ले दिखाने के लिए। और एक चीज़ बताना था कि नेक्स्ट वीक से शायद मैं 8 से 10 दिन के लिए थोड़ा सा बिजी रहने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ा टाइम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस दिन दीपावली होगा या उससे एक दिन पहले मैं जाके फ्री होने वाला हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो रेगुलर डालने के लिए। एग्जैक्ट जो एकदम क्विकली जो मैं वीडियो डालता हूँ एकदम इवेंट आते साथ वो नहीं डाल पाऊँगा शायद से, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना लगभग 8 से 10 दिन, और उसके बाद वापस हम लोग अपने शेड्यूल में आ जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा डेली वीडियो डालने के लिए, मे बी रात भी हो सकता है कभी कभी वीडियो डालने में, बट कोशिश करूँगा डेली डालने की, ठीक है। और इधर आप देख रहे कुछ कंट्री आपको दिखाई दे रहा है जो कि सेलेक्ट किया गया है ये वाला पबजी न्यू स्टेट का थर्ड अल्फा या टेक्निकल टेस्ट के लिए। और मुझे जितना लगता है कि जो सेकेंड अल्फा में जो कंट्री था वही आपको दिख रहा होगा, इंडिया नहीं दिखेगा क्योंकि इंडिया का तो प्री रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट में ही स्टार्ट हुआ। बट एक चीज़ ध्यान रखना, 11 तारीख को जिस दिन पबजी न्यू स्टेट ग्लोबली लॉन्च होगा उस दिन इंडिया में भी आएगा। बट ये टेस्ट के लिए इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, बट केवल हम लोग का अगर बोले तो नेबरहुड कंट्री में आप देख पा रहे हो श्रीलंका है, म्यांमार है, नेपाल है, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा बाकी सब, और मालदीव्स तो ये सब आप देख पा रहे हो, और बाकी सब आगे का आप देख पा रहे साउथ कोरिया वो तो था ही पहले से। उसके बाद आप देख पा रहे मिडिल ईस्ट एरिया में, टर्की वाला एरिया में आप देख पा रहे इतना सारा कंट्री था। तो जो जो बंदे खेले थे पिछले वाला जो सेकेंड अल्फा, तो वो लोग डेफिनेटली इसमें खेल सकते, पार्टिसिपेट ले सकते हैं। कोशिश करूँगा कि भाई मेरे को भी एक अकाउंट मिल जाए, ठीक है। और इसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट कंटेंट इज अवेलेबल ड्यूरिंग दिस टेक्निकल टेस्ट, तो ये वाला थर्ड जो अल्फा है बहुत ही ओपी होने वाला, क्योंकि प्रीवियस 2 अल्फा में हम लोग केवल प्राइम आपको एक्सप्लोर किए थे, बट इसमें आप देखोगे फॉर द टेक्निकल टेस्ट पार्टिसिपेट विल बी एबल टू सेलेक्ट मैप बिटवीन ट्रॉय एंड द न्यू मैप इरेंगल एज द बैटल ग्राउंड। तो इरेंगल मैप भी हम लोग को मिलेगा, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इरेंगल 3.0 का एटलीस्ट मैं एक्सप्लोर करूँ, खेलूँ नहीं खेलूँ उससे दिक्कत नहीं है, बट मेरे को उसको देखना है भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ट्रॉय से भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इरेंगल हम लोग खेले हैं जब से गेम चालू की है, तो डेफिनेटली इसको हम लोग देखने वाले ये वाला टेस्ट में। तो इधर आप देख पा रहे हो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख पा रहे iOS के लिए iOS 13 एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी iOS 15 भी आ चुका है। उसके बाद मिनिमम जो स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन चाहिए वो है iPhone 6X तक तो ये सपोर्ट करेगा, और अगर आप Android यूज़र हो तो Android ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 होना चाहिए, और आपका डिवाइस में 2 GB रैम होना चाहिए, ठीक है। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये अगर आपका फुलफिल करता है तो ऑटोमेटिकली आप गेम को खेल पाओगे। उसके साथ जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप टेक्निकल टेस्ट में कोई भी अकाउंट बनाते हो तो वो जो अकाउंट है वो ट्रांसफर नहीं होगा अपने मेन आईडी में, तो जब ये गेम ग्लोबली लॉन्च होगा उस टाइम सबके साथ आपको अपना आईडी न्यू बनाना होगा। और लास्ट जो पॉइंट है वो स्ट्रीमर और कंटेंट क्रिएटर के लिए है, तो आप आराम से अगर आपको एक्सेस मिला तो आप आराम से इसका लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो सबके सामने, और उसके साथ साथ आप कंटेंट भी बना सकते हो जैसे मैं बनाता हूँ, तो उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया कम्प्लीटली सब कुछ मैं क्लियर कर दिया, और जो जो बंदे को एक्सेस नहीं मिला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इन्जॉय करना वीडियो को, और जैसे 11 तारीख होगा आप तब सबके साथ अपना अकाउंट बनाना और स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो चलो ये वीडियो को इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।